माँ चाहे तो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है, माँ चाहे तो उसको राष्ट्रभक्त बना सकती है, भगवत भक्त बना सकती है, देशभक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो उसको पैसा का भक्त भी बना सकती है। माफ़ करना, पर आजकल के माता पिता इन सबको बस यही लगता है कि बच्चे बढ़िया कमा खमा लें, बढ़िया पैसा कमा लें, बढ़िया नाम रोशन कर दें, बस इतने तक ही है। लेकिन माफ़ करना, बच्चे कोई एटीएम मशीन नहीं है कि वह पैसा पैसा पैसा, नौकरी 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 करें, इतना करें कि उनको इतना पांव पे खड़ा कर दो कि भैया अपनी जीविका तुम खुद चलाओ। पर सबसे पहले आवश्यकता है ये देखने की कि बच्चे में भक्ति के संस्कार है या नहीं। बच्चों पर तो हम खूब दोष दे देते, आज के युवा ऐसे, आज के युवा भगवान को मानते नहीं। पर ये पूछिए कि उन युवाओं का जो बाल्यकाल है, उस बचपन जब वो घर में थे तब से लेके उनके कॉलेज तक का जो ये समय, इसमें कितना आपने केवल उनके संस्कार पर ध्यान दी। आजकल बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के ट्यूशन है, साइंस के ट्यूशन है, हिस्ट्री के ट्यूशन है, आर्ट्स के ट्यूशन है, लेकिन भक्ति और संस्कार के लिए कितने ट्यूशन होते हैं? कौन देता है उनको ट्यूशन, भेजता है? ये जो सत्संग है ना, ये भक्ति का ट्यूशन है। यहाँ पर भगवत भक्ति सिखाई जाती है, संतों के चरणों में भगवत भक्ति सिखाई, वहाँ लेकर के जाइए। पर यहाँ उल्टा है, बच्चों के कोई एग्ज़ाम चल रहे हो ना, माता पिता तभी कहते हैं कि बेटा जा हनुमान जी को ये चढ़ाया, क्यों तू पास हो जाएगा। तो बच्चों को भी क्या पता, भगवान बस काम बनाने का एक 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 स्थान है, जहाँ काम बनवाना हो तो पहुँच जाओ बस, बाकी सब चीज़ पे ध्यान देते हैं। पीटीएम होता है, बच्चों के बड़े बड़े स्कूल में आजकल काउंसलर होते हैं, अंग्रेजी मीडियम जो अच्छे हाई स्टैंडर्ड के स्कूल हैं उसमें काउंसलर रखे जाते हैं, लेकिन भगवत भक्ति का कोई काउंसलर नहीं। इसलिए बच्चे पढ़ लिख तो खूब जाते हैं, पर उनकी शिक्षा उनके जीवन में संस्कार नहीं ला पाती। पढ़ाई तो इतनी है कि पूछो मत महाराज, आप जो बारहवीं तक जा कर के पढ़ते होंगे, आजकल वो बच्चों को पहली दूसरी से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ऐसा बस्ता लाद करके 5 साल का बालक घर से निकलता रोता रोता। शिक्षा का मतलब समझिए, ऐसी शिक्षा ना हो जिसको बच्चे भी देख के घबरा जाएं कि बस यहाँ तो बराबर रटो रटो ये याद करके, वह रटना ही रटना या कुछ और भी है। शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे बच्चे पर बाहर से, तो जैसे वो चाकू को आप आगे से तो शार्प कर दो पर उसमें पीछे हैंडल मत डालो, आगे से तो खूब बढ़िया पैना है पर वो पैना क्या काम का जब उसमें पीछे पकड़ने का हैंडल नहीं, उससे कुछ भी काटोगे तो हाथ कट जाएगा। आज की शिक्षा पद्धति आगे से तो बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही पर उसमें पीछे जो हैंडल है ना अध्यात्म, वो नहीं दिया जाता, इसलिए वो शिक्षा आगे जाके खतरनाक हो जाती है। वो माइंड है टेररिस्ट बन गए, डॉक्टर भी बने तो किडनी बेच रहे हैं, किसी के बॉडी पार्ट्स बेच रहे हैं, वो सब क्या है? पढ़े लिखे तो हैं, बढ़िया बढ़िया डिग्री है इनके पास, इंजीनियर बन गए, बिल्डिंगों में गलत सीमेंट गलत वो सब लगा रहे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं क्या, बढ़िया डिग्री ले लेके बैठे हैं। पर इनको शिक्षा मिली पर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली कि ये गलत है और ये सही है, सही गलत की शिक्षा इनको प्राप्त नहीं। तो इसलिए सबसे, चाहे वो अभिभावक हों चाहे वो अध्यापक हों, सबसे निवेदन है कि हर स्कूल में नहीं भी है तो आप घर में अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा संडे रविवार को एक दिन बना लो, सब परिवार बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ के बच्चों को कीर्तन करवाओ, आधा घंटा आप भगवत गीता सुनाओ वो सुने, या बच्चा पढ़े आप सुने, कुछ तो लाभ होगा। ये जरूर बात है कि हर बच्चे का अपना प्रारब्ध भी होता है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है माता पिता पूरा घर भक्ति का और बच्चा एकदम उसका विपरीत, तो संस्कार भी होते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता, पर कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए।